Myra Fashion, Swami Complex and Vegamall, Ajmer. Nilos, Unisex Salon and Academy, opposite Badar Vidyalay, Vishali Nagar, Ajmer. भारत सरकार द्वारा लगातार पिछले वर्ष से ही जो रेलों को प्राइवेट करने का, निजीकरण करने का, निगमीकरण करने का, रेलवे की प्रोडक्शन यूनिट और रेलवे के कल कारखानों को बेचने का काम प्राइवेट हाथों में, चाहे वो निगम बना करके करने का प्रयास किया जा रहा हो और चाहे रेलों को बेचने का प्रयास किया जा रहा हो, आज पूरे देश के अंदर रेल का स्टेशन, रेल की गाड़ियाँ सब निजी लोगों को बेचने की बात रेलवे कर रही है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों 100 दिन का एक्शन प्लान बनाया था उसको भी हमने प्रदर्शन के माध्यम से रुकवाने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी अभी इन्होंने बिना फेडरेशन से बात किए हुए, बिना हम लोगों से बात किए हुए जो रेलवे बोर्ड का विखंडन करने की बात की है, रेलवे का जो संचालन अलग तरीके से हम लोग करते थे उसको सबको बंद करके कुल 4 पद वहाँ बनाने की बात की है, और रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है उसको भी वित्त आयोग के अध्यक्ष के नीचे काम करना पड़ेगा। तो ये सारी व्यवस्था जो है रेलवे को बेचने की साजिश जो भारत सरकार कर रही है, जो हम लोग उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बार हम ये विरोध सप्ताह जो नया साल लगते ही 2 तारीख से 7 तारीख तक पूरे भारत के अंदर अपने विरोध के माध्यम से भारत सरकार को चेताना चाहते हैं कि या तो ये नीतियाँ ये बंद करने का काम करें, निजीकरण और निगमीकरण की बात, और रेलों को बेचने का काम बंद करें, अन्यथा इस बार ये लड़ाई बहुत लंबी और आर पार की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम लोग। अगर ये भारत सरकार अपना निर्णय वापस नहीं लेती है और रेलों को बेचने की बात को बंद नहीं करती है, रेलवे बोर्ड के विखंडन को बंद नहीं करती है, तो हम लोग कभी भी रेल का चक्का, जो कि हम रेल चलाने का काम करते हैं, इसको जाम करने की बात कर सकते हैं। ये आज उस कड़ी में हम अजमेर कारखाने के ऊपर विरोध प्रदर्शन और यहाँ पर एक गेट मीटिंग का आयोजन हमने किया है। आज भूपेंद्र भटनागर, जोनल अध्यक्ष, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लाइज यूनियन।